I was right. चाल ढाल कद काठी सब निखिल की जैसे ही। आने दो उसे यहाँ। अब इस प्रूफ के साथ मैं उसे पकड़ लूंगा। हमसे भाग कर गया था ना तू, अब तो खुद ही हमारी पकड़ में आएगा। पूरा तुम यहाँ क्या कर रहे हो सुबह सुबह? दी अच्छा हुआ आप आ गए। दी आई थिंक मुझे उस आदमी का पता चल गया है जिसने मेरा एक्सीडेंट करवाया था और होली पे मुझे मारने की कोशिश की थी। कौन है वो? आप खुद ही देख लो। लग रहा है ना निखिल जैसा? हाँ पूरा भी तो निखिल नहीं लग रहा है। दी ये वही है। कल पूरी रात मैं सो नहीं पाया। जैसे ही आंख लगती थी तो मुझे मेरे एक्सीडेंट और होली पे जो हुआ उसके सपने आने लगते थे और एक बार तो मैं निखिल का नाम लेकर उठाऊं। दी हो ना हो ये वही है। और अब तो इस फुटेज को देखने के बाद मेरा शक और बढ़ गया है। पर वो हमारे सामने था और हम उसे पहचान नहीं पाए। ये वही। मैंने अपने शक को यकीन में बदलने के लिए उसको यहाँ बुला लिया। वो यहाँ आ रहा है? हाँ। जैसे ही यहाँ आएगा मैं उससे होली वाले दिन से रिलेटेड कुछ सवाल पूछूंगा जिसको उसे जवाब देने होंगे और वो वहीं फंसे। मुझे नहीं लगता कि निखिल के यहाँ आने से हमारा कुछ फायदा होगा। क्यों? क्योंकि पूरब अगर तुम उसे होली से रिलेटेड कुछ भी सवाल पूछोगे वो कोई ना कोई बहाना बनाकर यहाँ से चला जाएगा। और तो और पूरब उसे यहाँ बुलाकर हम उसे साफ साफ बता रहे कि हमें तुम पे शक हो गया है, तुम खुद को बचा लो। हम उसे पकड़ने की जगह उसे बचने का मौका दे रहे। उसे पकड़ने का एक ही तरीका है पूरब। कैसे? उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हमें उस पे शक हो गया। पर दी हम उसे पकड़ेंगे कैसे? पूरब देखो हमें इतना तो पता है कि वो निखिल कुछ काम वाम तो करता है नहीं, इसलिए उसने जो कुछ भी प्लानिंग की होगी तुम्हारे एक्सीडेंट के लिए या तुम्हें मारने के लिए उसका कोई ना कोई सबूत उसके घर पे जरूर होगा। हमें वहां ढूंढना चाहिए। दी आई थिंक आप सही कहते हो। उसके घर से हमें कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा लेकिन अभी का क्या करें? अभी तो वो यहाँ आने के लिए निकल चुका है। उसके लिए भी मेरे पास एक आइडिया है। ये पूरब ने अचानक मुझे मिलने के लिए क्यों बुला लिया? वो भी इतनी सुबह? कहीं उसे मुझ पे शक तो नहीं हो गया? और मुझे पकड़ने के लिए वो मुझे घर बुला रहा। मत जावा, पकड़ा जाएगा। लेकिन अगर मैं नहीं गया तो उसका शक यकीन में बदल जाएगा। नहीं, मुझे जाना चाहिए। पूछेगा तो मैं बता दूंगा कि मैं उसके एक्सीडेंट के वक्त कहाँ था और होली खेलने क्यों नहीं आया। अरे बता दूंगा। हाँ ये ठीक रहेगा। पूरब मेरे दोस्त, जहां से तू सोच रहा है वहां से मैं बहुत आगे की सोच रहा हूं। घर में कोई है भी या नहीं? ये सब सो रहे हैं। ये राज भी ना कभी टाइम पे नाश्ता नहीं करते हैं और फिर बे टाइम पे मुझे नाश्ता बनाने के लिए बोलते हैं। दिखाई नहीं निखिल। हेलो भाभी। हाँ हेलो, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो एक्चुअली मुझे पूरब ने बुलाया था। आप उसे प्लीज बुला देंगी? कैसे बुलाऊं? वो तो घर पर है नहीं। मैंने उसे बाहर जाते हुए देखा था। तुम्हें फोन करके आना चाहिए था ना। एक्चुअली उसने ही मेरे को बुलाया था। उसने मेरे को फोन किया था यहाँ आने के लिए। ये निखिल यहाँ क्या कर रहा है? ये फिर मरेगा और मुझे भी मरवाएगा। ओ गॉड जी, मिताली ये कैसी हो गई है तू? मेहमान घर में आया और तूने उसे पानी तक के लिए नहीं पूछा। पता है ना मेहमान भगवान के समान होते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम चलो मेरे साथ अंदर बात करते। अब निखिल चाय कहीं ये सच्ची मुच्ची के भगवान जी तो नहीं थे मेहमान के रूप में? मिताली तेरे हाथ में जूस और नाश्ता था और तूने पूछा भी नहीं। हमेशा गड़बड़ करती रहती मिताली। इधर आओ अंदर। तुम यहाँ पे क्यों आए? तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? मेरी जान से कोई प्रॉब्लम है? तुम्हें पता अगर किसी ने देख लिया तुम दोनों मारे जाएंगे। कोई नहीं मरेगा। कल शायद तुमने सुना नहीं था। पूरब ने ना कुछ देखा है और ना ही उसने मेरी आवाज सुनी। सो कल जो यहाँ आया था वो ढोल वाला था और आज यहाँ पे निखिल है, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं। 2 दिन के बाद मेरी शादी है और निखिल प्लीज मुझे अपनी लाइफ में और कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। और वैसे भी शुभ काम में मुझे अशुभ लोग नहीं चाहिए। अशुभ मैं शुभ हूँ। हाँ मैं कपड़ों में देखना। तनु की प्रेगनेंसी रिपोर्ट क्या? देखो, मदर्स नेम तनु मेहता, फादर्स नेम निखिल सूद। थी ये तो तनु और निखिल के बच्चे का। पूरब देखो, ये उसी वक्त का है क्या जब तनु इनके साथ थी? ये जून 2016 लास्ट ईयर का ही। ये रिपोर्ट तभी की है जब तनु अपने आप को अभी से प्रेग्नेंट बता के सबसे सेवा करवाती थी। ये बच्चा तो रहा नहीं, तो निखिल ने ये रिपोर्ट संभाल के क्यों रखी है? हो सकता है वो बच्चे से बहुत इमोशनली अटैच्ड होगा, तो उसकी आखिरी निशानी समझ। वो निखिल इमोशनल तो बिल्कुल नहीं, मतलब, लेकिन वो प्रोफेशनल बहुत है। मतलब उसने ये अपना आखिरी दाव बचा के रखा है तनु के अगेंस्ट। निखिल भी जानता है कि तनु किसी को भी कभी भी धोखा दे सकती है, और उसे इस बात का डर है कि एक बार अगर तनु की शादी वाकई इनसे हो जाती है तो शायद तनु निखिल का साथ ना दे। तू कुछ भी कर ले, वो फुकी वायरस बनके तेरी बॉडी में घुस चुकी है, ऐसे नहीं निकलेगी। पर कुछ तो करना होगा, बेचैनी सी हो रही है। ठंडा पानी पी लीजिए, मन शांत हो जाएगा। ये ठीक रहेगा, उसे भुलाने के लिए उसी का टेक्निक अप्लाई करता हूं। रॉबिन, एक गिलास ठंडा पानी देना। मन शांत हो जाएगा तो मन उसे याद नहीं करेगा। ये लीजिए सर। तनु, इस घर से जाने के लिए तो मैं यहाँ आई नहीं थी। डोली आई थी मेरी इस घर में, और इस घर से मैं अर्थी में ही जाऊंगी। वही बात 48 घंटों की, तो उतना वक्त नहीं लगेगा। उससे पहले ही मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकलवा दूंगी, ठीक है? याद रखते हैं। नो प्लीज एक्सक्यूज मी, मेरी शादी की ड्रेस आने वाली है और मुझे वो लेने जाना है। ओके प्लीज गो। और मैं तो कहती हूँ आज ही ट्राई कर लेना। क्या है, तुम्हें खुद को शादी के जोड़े में देखने का जो सपना है ना, कम से कम वो तो पूरा हो जाएगा।